क्यों किया? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में नहीं हुआ। आपने सोचा, समझा, फिर किया। क्यों किया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कहना चाहती है। एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए गुरुमा, हो सकता है याद आ जाए। क्योंकि अगर मैंने याद दिलाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या याद दिलाएगी? यही कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। मैं भूल गई थी, अब मेरी उम्र हो गई है तो ऐसी चीजें भूल जाती हूँ। अरे तुझे तो क्या, मैंने अनुज तक को नहीं बताया था। लेकिन जब स्कूल में गई थी तब तो याद आ गया था ना कुर्मा, तब क्यों नहीं बताया? अरे जब पहुंची और पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, बताने से कोई फायदा ही ना होता। कुछ चीजें फायदे और नुकसान से बहुत बड़ी होती है। मेरे लिए मेरी बच्ची के साथ बिताया एक एक पल हर हिसाब से बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसलिए मेहरबानी करके मेरे और मेरी बच्ची के बीच आने की कोशिश मत कीजिए। छोटी आपकी पोती है, उस हिसाब से आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है। उसके हर फंक्शन, कॉम्पिटिशन में उसके साथ कहीं भी जाने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मेरा हक सबसे पहले है। और वैसे भी माँ तो सिर्फ बचपन में ही बच्चे की उंगली थाम के चल सकती है, उसके बाद तो हर किसी को जीवन साथी का हाथ पकड़ के ही चलना है। जीवन साथी का हाथ माँ के साथ से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटी पर किसी और का अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है, परिवार के हर सदस्य का अधिकार है। लेकिन मुझसे मेरा अधिकार मत छीनिए। आपको हमें बताना चाहिए था। कान्हा जी के जिस आशीर्वाद को आप ठुकरा कर चली गई थी इतने सालों पहले, वो आशीर्वाद दोबारा आपके जीवन में आया है। उसे सहज के रखिए, उसे संभाल के रखिए। आपको आपका बेटा मिला है, परिवार मिला है, हर चीज मिली है, सम्मान मिला है कुर्मा। लेकिन व्यवहार जो है ना, वो मिलता नहीं है, वो करना पड़ता है। मैं आपके और छोटी के रिश्ते का सम्मान करती हूँ, तो आप भी मेरे और छोटी के रिश्ते का लिहाज कीजिए ना। दोनों रिश्ते साथ चल सकते हैं, माँ और दादी साथ चल सकते हैं। माँ दादी की जगह नहीं ले सकती तो दादी भी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत कीजिए, मेरी छोटी के जीवन में मत कीजिए। कल आपने बिना बताए छोटी को स्लीप ओवर के लिए भेज दिया और आज सुबह उसे सीधा स्कूल लेकर चली गई, हमें बताया तक नहीं, क्यों? अरे आप एक बार कहती कि आपको कंपटीशन में छोटी के साथ हिस्सा लेना है तो कान्हा जी की सोगन मैं वहां पर बेंच के पास खड़े होकर आप लोगों के लिए सबसे जोर से तालियां बजा रही होती। गुरुमा, मैं सबसे ज्यादा खुश हो रही होती। अनुपमा।